विधान 513। इस विधान ने ये दिखा दिया है कि अतिशय क्या होता है। 8 तारीख की रात को बंगाल में बुलबुल तूफान शुरू हुआ, जिसका असर 36 घंटों तक कलकत्ता में रहा। विधान में निर्मित विशालकाय पंडाल पर भी इसका असर पड़ा। जगह जगह से पानी गिरने लगा। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद आगे होने वाले विधान की पूजा इस विघ्न के कारण रोक दी जाएगी। पर इन विघ्नों को पार करते हुए और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से कुछ ही घंटों में पंडाल को पुनः व्यवस्थित कर दिया गया और 10 तारीख की सुबह भले ही थोड़ी देर से पर निर्विघ्न रूप से शुरू हुआ विधान 513। रोजाना की तरह भगवान के कलश अभिषेक हुए और शांति धारा भी हुआ। शांति धारा के पश्चात यंत्रों का प्रक्षाल हुआ और भगवान की आरती हुई, जिसे कर लोग खुद को धन्य समझ रहे थे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी था। 3 जनेश्वरी दीक्षा भी हुई। दीक्षा को देखकर लोग मंत्रमुग्ध थे। आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने पूरी विधि विधान से दीक्षा दिलवाई। कार्यकर्ताओं ने अपने अथक प्रयास से इस विधान को संपन्न कराया। आइए सुनते हैं और देखते हैं उन कार्यकर्ताओं की विचारधारा कि कैसे उन्होंने बाधाओं को पार कर शुरू किया विधान 513। विधान 513 एक जहां ऐतिहासिक हुआ, वहीं ये अतिशयकारी हो गया। एक ऐसी घटना घटी जिससे लोग, श्रद्धालु, आयोजक आशंकित हो गए कि ये विधान कहीं विघ्न में तो नहीं जा रहा है। बुलबुल तूफान जिसने पूरे बंगाल को झकझोर दिया, उसका असर इस विधान में भी आया। पंडाल से पानी चूने लगा, चारों बगल पानी जमा हो गया। लोग आशंकित हो गए कि शायद विधान में विघ्न आ गया, लेकिन अतिशय हुआ। कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आई और इस विघ्न को दूर करके ये विधान बिना किसी विघ्न के वापस नए तरीके से, नए उत्साह के साथ शुरू हो गया। सुरेश जी, कैसा लग रहा था जब ये विघ्न आया, उस समय आप लोग को क्या अनुभव हुआ? जजनेन्द्र, कल का दिन प्रकृति का प्रकोप और सिद्धों की महिमा दोनों देखने को मिली। प्रकृति कल पूरी तरह मेहरबान थी, पूरी बारिश हो रही थी, पूरी तरफ कादा किस्ता, जहाँ मान लेते वहाँ पानी गिर रहा था, बाहर में हवाएं बहुत तेज थी। शाम तक ऐसा लग रहा था कि हो सकता कि पंडाल रहे कि नहीं रहे। रात को 9 बजते बजते ये पोजिशनों के जितने भी मेरे स्टाफ थे, सारे को हमने पंडाल से बाहर निकाल दिया। एक भी पंडाल रात को यहाँ पे नहीं था। श्री जी विराजमान थे, हम लोग चिंता में थे कि क्या होगा नहीं होगा। सुबह आचार्य जी के पास हम लोग रात को गए, उन्होंने एक ही बात कही, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। फिर भी विश्वास करने को मन नहीं कर रहा था, बाकी विश्वास कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा कि हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। सवेरे होते होते जो पोजीशन खड़ी हुई, आचार्य श्री के बाद सत्य साबित हुई, सिद्धों की महिमा देखने को मिली। कल प्रकृति का प्रकोप देखा और आज सिद्धों की महिमा देखी कि सिद्ध की महिमा क्या होती है। एक दीपक जल रहा था यहाँ, रात को बहुत बुरी तरह हवाएं चल रही थी, बाकी सवेरे वो दीपक एज इट इज जलता रहा, कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज बढ़िया से बढ़िया सारा कार्यक्रम हो रहा है। सिद्धों की महिमा अतुलनीय है, अद्वितीय है। धर्म पर विश्वास करें, धर्म बोलता है। आप बताइए मनोज जी, आप इतना प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या आपके मन में कहीं ये भावना आई थी कि एक नकारात्मक प्रचार, एक पोस्ट आपकी तरफ से जाएगा कि ये विधान रुक गया है, क्या ऐसा आपको लगा था?
जब रात में मैंने मैसेज किया, मतलब मेरी तरफ से कमेटी के बिहाफ में जब मैंने मैसेज किया कि सुबह 11:30 बजे से विधान की वो मतलब जो प्रोसेस है विधान का चालू होगा, कई फोन मेरे पास आए कि क्या 11:30 बजे चालू होगा, तो हमने बोला कि ये कमेटी का डिसीजन है, महाराष्ट्र का आदेश है 11:30 बजे। सुबह 3:30 बजे मेरे पास में फोन आया वापस कि क्या आज शांति धारा होगी, पंडाल का क्या व्यवस्था, 3:30 बजे फोन आना चालू हो गया। तो मेरे को काफ़ी टेंशन था, कल का कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग जबरदस्ती ले रहे थे कि कॉन्फिडेंट है हो जाएगा, लेकिन इतना सच्चा हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस मतलब पूरा एक्चुअल में बदल जाएगा कि हमने कभी सोचा नहीं था। और ये चीज़ मेरा जो 10 दिन से हम लोग प्रचार में लगे, 10 दिन क्या मतलब महीना 1.5 महीना से, आज ये मैसेज भी मैं करता तो मेरे लिए सबसे मतलब क्या बोलेंगे बैड के दिन का सबसे दुर्भाग्यशाली दिन होता आपके जीवन का। संतोष जी, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आप गार्जियन हैं, जो वातावरण हुआ, जो कुदरत का कहर ढाया गया और जो अतिशय हुआ, क्या लगता है आपको, क्या आपकी भावना है? नहीं, ये मैं कहूँगा ये सही रूप में अतिशय हुआ है। हम सुना करते थे, हमें जीवन में अनुभव भी होता था कि सिद्धों की महिमा यदि हम करते हैं तो उससे जीवन में एक नया रूप आता है, नया अतिशय आता है, जीवन समृद्धशाली होता है, विविधताएँ दूर होती है। किंतु कल जो हमने अपने जीवन में अतिशय देखा और आचार्य श्री जो जिनकी प्रेरणा से इतना बड़ा कार्य एक भारत में अपने आप में एक अनूठा कार्य किया जा रहा है, उनके चेहरे पर एकदम सिकन नहीं थी और वो हम लोगों को कह रहे थे कि आप क्यों चिंता करते हो, आप जाओ सो जाओ आराम से, कोई भी पंडाल में नहीं रहेगा और कुछ नहीं होगा, आप सुबह और धर्म का की जो जड़ें होती है वो कितनी मजबूत होती है वो हम सबों ने, हमारे सारे कार्यकर्ता ने, न सिर्फ कार्यकर्ता पूरे समाज ने कर लिया, अनुभव किया। संजय काला, आपको मैंने दिन रात आपको कवर किया, आप मस्ती में लगातार झूम रहे थे, गा रहे थे, अपने इस विधान को कंप्लीट करने में आप लगे थे, लेकिन कल का दिन जो एक विघ्न आया, क्या आपके मन में कुछ विचार आए कि नहीं ये विधान शायद पूरा नहीं होगा, क्या ऐसे विचार आपके मन में आए? देखिए, एक कहावत है कि परीक्षार्थी का मार्स पूर्ण परीक्षा होने पर ही होता है, और ये हमारे को इंद्रदेव इस आराध्य में, इस आराधना में इंद्रदेव ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की परीक्षा लेने की, और परीक्षा में पास होने का रिजल्ट आपके सामने है। परीक्षा में पास वही कहलाता है जो पूर्ण रूप से उस परीक्षा में अपनी आहुति अपने बलिदान देता है। तो कल आपने देखा हमारे पूरे कार्यकर्ता लगन से इस मंडप को, इस पंडाल को सुधार करने में इंद्रदेव के सामने लगे रहे। इंद्रदेव ने भी अपनी परीक्षा पूर्ण करके पुनः इसी विधान को करने की अनुमति दी। दयाचंद जी, आप अनेक धार्मिक आयोजन से जुड़ते हैं, आप अपनी सेवा देते हैं, विधान 513 से आप जुड़े, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 513 पहले शुरू में जब हम लोग इसमें जुड़े तो हम लोगों की थोड़ी हिम्मत कुछ कम हो रही थी कि ऐसे संभव होगा कि नहीं होगा, किंतु ये आचार्य श्री की कृपा और ये मतलब हमारे जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो धर्मों की जो पब्लिक है, उनकी भावना ने हम लोगों को इतना प्रोत्साहन दिया कि आप लोग आगे बढ़िए, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, और हम लोग इसी उनके इस मतलब बढ़ावे के में हम लोग अपने आप को समर्पित करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए। अनेक कार्यक्रम से आप भी जुड़ते हैं, अनेक धार्मिक आयोजन में जुड़े, 513 से जुड़े, क्या फील होता है, क्या अनुभव होता है? सबसे बड़ा बात है, पहले जब 513 नाम आया आदमी में क्यूरियोसिटी जन्मा, जे 513 है क्या है, लेकिन आचार्य श्री सुबल सागर जी का आशीर्वाद से हम लोग इतना बड़ा आयोजन को माथा में लिया। पहले सोच रहे थे इतना आयोजन सफल होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता लोग जो परिश्रम किया है डोर टू डोर, और जो प्रचार प्रसार हुआ और जो कार्यक्रम का सफलता आज आप लोग का सामने है, आप लोग बताइए कार्यक्रम कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है? 513 विधान कलकत्ता के इतिहास के अंदर में बहुत ही मतलब ऐतिहासिक विधान होगा ये,
जिस तरह उपनगरीय इलाकों को और जिस तरह पूरी कलकत्ता को जोड़ करके ये जो विधान किया जा रहा है, मेरे ख्याल से स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा इसका। आप बताइए आपको क्या। 513 विधान बहुत ही अच्छा रहा कलकत्ता में, ये ऐतिहासिक की प्रोग्राम रहा है, बहुत अच्छा रहा, सबका सहयोग रहा, सुबेर सागर जी महाराज का सानिध्य में बहुत ही अच्छा रहा। रितेश, 513 विधान से जुड़े हो, रिश्ता रहते हो, मैंने देखा कि रोज तुम यहाँ आते हो, इतनी श्रद्धा का कारण क्या? देखिए, इतना बड़ा विधान अगर हो रहा है तो उसमें श्रद्धा लाना बहुत ही वाजिबी है, और मैं इस विधान के लिए और इस विपदा के लिए यही कहना चाहूँगा, अगर किसी भी कार्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति से की जाए तो पूरी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाती है, और जब ये कार्य इतना बड़ा धर्म का है, इस यही कारण है कि इतनी बड़ी विपदा जो बंगाल की नगरी को छूते हुए यहाँ से निकल गई, ये विधान का ही लक्ष्य है और ये कार्यकर्ताओं का ही जोश था जो इतने बड़ी विपदा को भी संभाल लिए और पूर्ण इस पूरे प्रोग्राम को अपने रास्ते पर लेके आ गए। यह विधान कोलकाता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ चुका है, जिसमें भाग लेने वाले हजारों लोगों की जिंदगी बन गई है वह जिंदगी।